हेलो दोस्तों, ये मेरी पहली 3D फिल्म है। फिल्म शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास जब 3D ग्लासेस या VR बॉक्स है तभी आप ये 3D फिल्म देख पाएंगे। तो ग्लासेस लगा लीजिए, तो फिल्म शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए मेरे मोहम्मद सैद अलम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी नई फिल्म आप देख सकें सबसे पहले। मम्मी ने घर आ गया बेटा, मैं खाना निकाल रही हूँ, आके नीचे खाना खा ले। ठीक है। वहाँ क्यों जा रहे हो? मैं ऊपर में कपड़े धो रही हूँ, ऊपर आओ। हेलो बेटा, मैं शॉपिंग के लिए बाहर आई हूँ, फ्रिज में खाना रखा हुआ है, निकाल के खा लो। पास लेने वाले को भैया भैया वहां पर कोई है, भैया भैया वहां पर कोई है। बस अब बहुत हुआ, अब जो करना पड़ेगा मुझे करना पड़ेगा। मदद कर सकता हूँ? ये 2-3 दिन पहले कोई आए थे कि लाश को जलाने के लिए। देखो भाई, यहाँ तो बहुत लोग आते जाते रहते हैं लाश को जलाने के लिए, तो मैं कैसे जानूँ कि तुम किसे ढूंढ रहे हो? कोई छोटी बच्ची या बड़ा लड़का एक संग किसी को जलाया गया था क्या? अच्छा ठीक है भाई, एक मिनट मैं रजिस्टर देखता हूँ। भाई परसों नहीं, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो कल आया था एक आदमी, और वो जो बच्चे बच्ची है वो उन्हीं के बेटे बेटी है। क्या आप उसकी डिटेल्स मुझे दिखा सकते हैं? हाँ भाई, ये देखो ना, ये देखो, ये रहा उस बच्ची का डिटेल्स और ये उस लड़के का, दोनों की मौत कार एक्सीडेंट से हुआ है। ये पेपर को मुझे इससे किसी भी तरह चुराना पड़ेगा, क्योंकि ये पेपर ही मेरे पास इकलौता सबूत है। ठीक है, आप उनका घर का एड्रेस मुझे दे सकते हैं? हाँ, ये देखिए यहाँ पे है घर का एड्रेस। अच्छा भैया, वो वाला क्या है, लिखिए तो। देखो थैंक यू, ठीक है मैं आ रहा हूँ।
एक्सक्यूज मी, ये घर में कौन रहता है? ये घर, इस घर के बारे में मत पूछो, ये घर श्रापित घर है। पहले इनकी बीवी मर गई, फिर इनके बच्चे, बाप रे बाप, मुझे मत पूछो। मिस्टर वर्मा? हाँ मैं हूँ, कुछ काम था? हाँ मुझे आपका बच्चों के बारे में कुछ जानना था। बच्चे? क्यों आए हो, क्या जानना चाहते हो मेरे बच्चों के बारे में? मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपकी दोनों बच्चों की मौत कैसे हुई। अफसोस, उनकी माँ जब यहाँ होती तो उनको बहुत दुख होता। क्या? पहले इनकी बीवी मर गई, फिर इनके बच्चे, बाप रे बाप, मुझे मत पूछो। तो अभी उनका माँ कहाँ पे है? कुछ काम के लिए 2 महीने से वो उड़ीसा के बाहर है। यस, अब झूठ पकड़ा ही रहा। अच्छा तब मुझे ये बताइए, आपकी दोनों बच्चों की मौत कैसे हुई? हाँ उनका मौत तो कुछ बीमारी के लिए हुआ था। ये रहा उस बच्ची का डिटेल्स और ये उस लड़के का, दोनों की मौत कार एक्सीडेंट से हुआ है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और मुझे कितना आप झूठ बोलेंगे? और आपके बच्चों की मौत तो कार एक्सीडेंट से हुआ था, ये रहा सबूत। अब तो खुद ही ये रजिस्टर करे है ना। तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझ पर क्या बीत रही है वो मैं जानता हूँ। हाँ मैंने ही अपने बच्चों को मारा है। तो आपने अपने बीवी बच्चों को क्यों मारा? तुम जानना चाहते हो उन तीनों को मैं क्यों मारा? मैं एक तांत्रिक हूँ, मेरी साधना के सिद्ध के लिए उन तीनों का बलि चाहिए था, इसीलिए मैं अपना बीवी को मारा, उसके बाद दोनों बच्चों को मारा। तुम मेरे सब राज जान चुके हो, इसीलिए तुम्हें भी मरना पड़ेगा। तुम्हें मारने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब हम भाई बहन आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, हमें इंसाफ दिलाने के लिए शुक्रिया। बस एक आखिरी काम है, क्या आप हमारे लिए करेंगे? बस इस अस्थियों को लेकर अब नदी में बहा दीजिए, जिससे कि हमें मुक्ति मिल जाएगी। सजीद भाई अब आराम करो, सब कुछ ठीक है। पर यहाँ हुआ क्या था? उस तांत्रिक के बारे में हम लोग को सब कुछ पता है। हम लोग को क्या, पूरे दुनिया को पता है वो सब। क्या? पर किससे? और उस हादसे के बाद वहाँ के कुछ लोग जाके मीडिया और पुलिस को बुलाए, उसके बाद तुमको पुलिस ने यहाँ पर आके सही सलामत छोड़ के गए। अब मत परेशान हो, अब सब कुछ ठीक हो गया, अब आराम से सो जाइए। असल बात यह है कि मैंने उस अस्थि को तोड़ा था ही नहीं, बस उसे छुपा दिया। तू वक्त से